हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इंग्लिश कवर करेंगे, ओके, इंग्लिश के चैप्टर्स। और हम लोग क्लास फाइव का इंग्लिश कवर करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ चैप्टर फाइव और हमारा चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ लेजी जैक। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जैक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही लेजी लड़का है। मतलब हम लोग से कम तो नहीं है, मतलब हम लोग से बहुत कम ही है, हम लोग तो उससे भी ज़्यादा है, जो भी हो। तो आज के इस वीडियो में यही होने वाला है कि हम लोग लेजी जैक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे प्री रीडिंग दिया है, तो हम लोग वो करेंगे। और ये वीडियो एक ही पार्ट में होने वाला है, इसका कोई पार्ट वन और पार्ट टू नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में जल्द से जल्द मैं पढ़ा के कवर कर सकूँ। तो आप लोग भी थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आप लोग को मतलब एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। सो चलिए, बहुत बकबक हो गई, तो चलिए शुरू करते हैं। लेजीनेस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। अब जो लेजीनेस एक वर्ड है, ये बस वर्ड ही नहीं है, ये पूरा हार्मफुल कर देता है सभी किसी को, राइट, हर किसी को। जो भी लेजी है तो वो खुद से भी यू नो समझ सकते हैं कि हाँ, मैंने लेजी होके क्या ही कर लिया, ऐसे तो कुछ नहीं भाई, कितना नुकसान हुआ वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो लेजीनेस है ना, तो वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है सबके लिए बहुत ही लेजी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बाय बीइंग लेजी वी नॉट ओनली लूज टाइम बट हार्म आवर हेल्थ टू। अब लेजी होने के बाद सिर्फ हम लोग अपना समय ही नहीं, बल्कि हम लोग बहुत कुछ यू नो हम लोग हेल्थ में भी हम लोग को हार्म देखने को मिलता है, जब हम लोग अगर लेजी हो जाएंगे तो, राइट। नेक्स्ट फिर से दिया है कि बीइंग लेजी हाइंडर्स आवर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो हाइंडर्स एक यहाँ पे वर्ड आया, तो हाइंडर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइंडर्स मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को यू नो स्टॉप कर देना। जैसे कि जब यू नो जब कोई लेजी हो जाता है ना, तो उसमें यू नो बहुत सी चीज़ें यू नो जो वो करना चाहता है ना, वो भी वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो आपका फिजिकल ग्रोथ होगा या फिर जो मेंटल ग्रोथ होगा, उसको कहीं ना कहीं ये रोकता है डेवलप होने से, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है। वामक लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब इन अ फ्यू लाइंस। तो यहाँ पे कुछ यू नो फिगर्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग को डिस्क्राइब करना है फिगर देख के, तो ये आप लोग अपना बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रीड एंड एन्जॉय। तो इसको हम लोग को पढ़ना है और इन्जॉय करना है, हालांकि हम लोग इन्जॉय करते हैं ये, राइट। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेट अस रीड अ स्टोरी ऑफ अ लेजी बॉय। चलिए हम लोग एक लेजी बॉय का स्टोरी पढ़ते हैं, हु वॉज ऑल्सो फुलिश, जो कि एक फुलिश भी था, राइट। देयर वॉज वंस अ बॉय हु नेवर डिड एनी वर्क। तो एक बार यू नो मतलब एक समय एक लड़का था जो कि अपना काम बिल्कुल भी नहीं करता था। एवरी वन कॉल्ड हिम लेजी जैक, और सब कोई उसको क्या बुलाते थे, लेजी जैक बुलाते थे। इवेंचुअली ही मेड हिज मदर सो एंग्री, उसने अपनी मम्मी को इतना गुस्से में ला दिया था ना कि भाई क्या ही करो, कि उसकी मम्मी उसको बोल मतलब यू नो फोर्स कर रही थी कि हाँ भाई तू जा बाहर जाके काम कर कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके सी ट्रीटेड टू टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस, मतलब उसकी मम्मी ने हाउस से बाहर निकाल दिया। सो लेजी जैक वेंट टू वर्क फॉर अ फार्मर। तो वो जाता है कुछ काम काज करने, तो सबसे पहले यू नो वो फार्मर के पास जाता है कुछ काम करने के लिए। एट द एंड ऑफ अ वीक, अब जब जैसे ही विंड का एक मतलब विंड का जो एंड होता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे कुछ ट्विस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। गेव हिम अ पैनी, जो फार्मर है उसको पैनी दिया हुआ रहता है। नॉट नोइंग अबाउट मनी जैक वॉज केयरलेस एंड लॉस्ट हिज पैनी। और जो जैक होता है ना, तो वो जो फार्मर का पैनी होता है उसको वो खो देता है, ठीक है, वाइल क्रॉसिंग अ स्ट्रीम ऑन द वे होम, जब वो घर जा रहा होता है। तो उसके बाद जब वो मदर के पास जाता है, तो उसकी मम्मी बोलती है, सिली बॉय सेड हिज मदर, यू शुड हैव पुट इट केयरफुली इन योर पॉकेट, तुम्हें इसे अच्छे से पॉकेट में रखना चाहिए था भाई, मतलब ऐसे उसकी मम्मी बोलती है। आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम, मदर सेड लेजी जैक। तो ये जो वर्ड है ना, ये आपको हर कहानी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये तो कॉमन है, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है द फॉलोइंग डे, अब ठीक है दूसरे दिन, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, डेरी मैन के पास जाता है काम करने के लिए, ऑफकोर्स। एट द एंड ऑफ द वीक, अब फिर जैसे ही एंड आने वाला रहता है एंड ऑफ द वीक में, द डेरी मैन गेव हिम जग ऑफ मिल्क, वो जग ऑफ मिल्क देता है किसको, जैक को। जैक पुट द जग केयरफुली इन हिज पॉकेट, वो मतलब अच्छे से पॉकेट में रख लेता है। देन क्या होता है, बट ऑन द वे होम, जैसे ही वो होम मतलब जा रहा होता है, ऑल द मिल्क स्पिल्ड आउट एंड रन डाउन हिज ट्राउजर्स, अब बाहर निकल जाता है मिल्क, ठीक है, और उसके पूरे ट्राउजर में यू नो मतलब लग जाता है, ठीक है। फूल सेड हिज मदर, अब यहाँ पे फिर से उसकी मम्मी उसको बोलती है फूल, ठीक है, यू शुड हैव बैलेंस्ड इट ऑन योर हेड, तुम्हें अच्छे से बैलेंस्ड करके आना चाहिए था अपने हेड पे। ये कौन बोलता है, उसकी मम्मी बोलती है। तो जैसे ही एंड ऑफ द वीक आता है, तो ठीक है, उसको क्या मिलता है, उसको सॉफ्ट क्रीम चीज मिलता है, ठीक है, डैडी मैन उसको देता है जैक को। ही बैलेंस्ड द चीज ऑन हिज हेड, उसने अच्छे से बैलेंस्ड किया हेड पे, बिफोर ही सेट ऑफ फॉर होम, जैसे ही मतलब वो होम मतलब पहुँचने वाला रहता है। बाय द टाइम ही अराइव्ड देयर, सम ऑफ
ऑफ द चीज हैड फॉलन ऑफ, तो कुछ चीज गिर गए होते हैं, ठीक है. सम हैड रैन डाउन हिज चीक, कुछ उसके चिक्स पे लगे होते हैं. सम हैड गॉट स्टक इन हिज हेयर, और कुछ हेयर में स्टक मतलब क्या होता है, रुकना, राइट, स्टक कर जाना किसी भी चीज पे. तो यू नो हेयर में पूरा रुक गया था, ऐसे रुक गया नहीं था, मतलब हेयर में लग गया था ऐसे मान के चलो. नेक्स्ट है इडियट क्राइड हिज मदर, यू शुड हैव कैरीड इट इन योर हैंड्स. अब इसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें इसको हैंड में लेके आना चाहिए था, ठीक है. कौन बोलती है, जैक की मदर बोलती है. आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम, दिस लाइन इज कॉमन. फिर से हम लोग अब नेक्स्ट फॉलोइंग डे पे, मतलब ऐसा बहुत सारे स्टोरीज में होगा, ठीक है. अब वो जाएगा यू नो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वो जाता है बेकर के पास, ठीक है. एट द एंड ऑफ द वीक द बेकर गेव हिम अ कैट. अब जैसे ही वीक का एंड होता है तो कुछ ना कुछ जैक को मिलता है, तो इस बार उसको कैट मिली, ठीक है. जैक पिक्ड अप द कैट, उसने कैट को ले लिया, उसके बाद मतलब वो अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, कैरी कर लिया. बिफोर ही हैड गॉन फेयर, अभी वो कुछ ही देर में जाता तब तक कैट क्या करती है, स्क्रैच कर देती है हिम बैडली, मतलब सो बैडली उसको क्या कर देती है, नोच देती है अपने नेल से. डैट जैक लेट इट गो, उसके बाद जैक ने भी, भाई तुम जाओ लेट इट गो, ऐसे कहते हैं ना कि लेट इट गो करते रहना चाहिए, तो जैक भी जो है उस कैट को लेट इट गो कर दिया कि भाई जाओ तुम, ठीक है. तो यहाँ पे एक वर्ड है स्क्रैच्ड, तो स्क्रैच मतलब यही होता है ना, टू कट स्किन विथ नेल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि नेल से मतलब स्किन पे यू नो नोच देना, तो वही है इसका मीनिंग, स्क्रैच्ड हिम, राइट. सो अब यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों क्या बोल रहे हैं, यू ग्रेट डंडर हेड, डंडर हेड मतलब होता है कि स्टूपिड, तो उसकी मम्मी उसको मतलब ग्रेट स्टूपिड बोलती है, ठीक है. शाउटेड हिज मदर, उसकी मदर ने शाउटेड किया मतलब उस पर चिल्लाया, राइट. यू शुड हैव टाइड स्ट्रिंग राउंड इट एंड पुल इट लॉन्ग, ठीक है, अलॉन्ग मतलब तुमको उसमें यू नो उसको क्या बोले, यू शुड हैव टायर्ड स्ट्रिंग राउंड इट, मतलब उसका जो यू नो क्या बोलते हैं उसको, बिल्ली का जो गला होता है ना, तो उसमें कुछ लगाया जाता है ना, डॉग हो या फिर क्या हो, कैट हो, ठीक है, तो उसके गले में ऐसे लगाया जाता है और उसको यू नो फंसा के पुल इट किया जाता है. तो वही उसकी मम्मी बोल रही है कि तुमको उसके गले में लगा कर, ठीक है, और उसको पुल करके अच्छे से लेके आना चाहिए था, ठीक है. तो वो किससे बोलती है, जैक से बोलती है. फिर यहाँ पे एक कहानी ख़त्म. अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट द फॉलोइंग डे ही वेंट टू वर्क फॉर अ बटचर. अब वो फिर से बटचर के पास जाता है, और बटचर मतलब वो होता है कि जो चिकन वगैरह ये सब काटते हैं, ठीक है, कसाई हिंदी में बोले तो. फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ अ वीक, जैसे ही एंड ऑफ द वीक होता है, द बटचर गेव हिम फाइन लेग मटन, ठीक है, तो वो उसको फाइन लेग मटन देता है. जैक टायर्ड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग राउंड द लेग ऑफ मटन एंड ड्रैग इट अलोंग, उसके बाद वो बांध देता है, ठीक है, धागे से जो भी उसको पीस मिला हुआ रहता है, ठीक है, और वो अपने साथ उसको लेके आता है. बाय द टाइम ही केम होम द मटन वॉज ऑल मडी, लेकिन रास्ते में ही क्या होता है कि उसमें बहुत सारे मिट्टी लग जाते हैं और वो स्पॉइल्ड हो जाता है, राइट. यू फूल रोड हिज मदर, अब उसकी मम्मी अगेन उस पर शाउटेड कर रही है, मतलब चिल्ला रही है, रोड कर रही है कि तुम फूल हो क्या, मतलब ऐसे फूल उसको बोल रही है, ठीक है. यू शुड हैव कैरीड इट इन योर बैग, तुम्हें उसको बैग में कैरीड करके लेके आना चाहिए था, उसकी मम्मी बोलती है, राइट. अब फिर से अब जो ये है ना, मतलब ये जो फॉलोइंग डे है ये लास्ट है हमारा, ठीक है, यही लास्ट टॉपिक है. तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. द फॉलोइंग डे ही वेंट टू द वर्क फॉर अ हेड्समैन, अब वो हेड्समैन के पास जाता है एट द एंड ऑफ अ वीक, ठीक है. अब जैसे ही एंड ऑफ अ वीक आता है, द हेड्समैन गेव हिम अ डोंकी फॉर हिज लेबर, तो वो डोंकी देता है किसको, जैक को. विथ ग्रेट डिफिकल्टी जैक होस्टेड द डोंकी एंड टू बैक, अब बहुत ही मुश्किलों के साथ, ठीक है, जो जैक है वो डोंकी को अपने बैक पे क्या करता है, यू नो रखता है, ठीक है. नेक्स्ट है एज ही वॉज स्टर्गिंग होम अ स्प्लेंडेड कैरिज पास्ड हिम ऑन अ रोड, द कैरिज बिलोंगड टू अ रिच मैन, अब वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था होम के लिए, ठीक है, तो एक यू नो रिच मैन डॉटर जो कि क्या थी, डीफ थी और डम्ब थी, ठीक है, सिंस बर्थ, मतलब कि वो डीफ भी थी और डम्ब भी थी, दोनों एक साथ थी बाय दी बर्थ, ठीक है, बर्थ के ही टाइम से. डॉक्टर्स हैड सेड शी वुड नेवर बी एबल टू स्पीक अनलेस शी लर्न्ड हाउ टू लव, तो डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी भी बोल नहीं सकती है जब तक कि वो यू नो मतलब सीख नहीं लेती कि हंसा कैसे जाता है, हाउ टू लव, राइट. डॉक्टर के अनुसार मतलब डॉक्टर ये बात बोलता है, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है दोस्तों, व्हेन द रिच मैन्स डॉटर सॉ द जैक वॉकिंग विद द डोंकी ऑन हिज बैक, अब जब वो देखती है ना, किसको देखती है, जैक को देखती है ऑब्वियसली, ठीक है, जैक को देखती है कि वो डोंकी के साथ यू नो चल रहा है, वो भी डोंकी उसके बैक पे है, ठीक है. शी ब्रस्ट इन टू लाफ्टर, वो बहुत ही जोर से हंसती है, कौन,
वही रिच गर्ल, ठीक है, जो कि डम्ब और डिफ दोनों थी, तो वो बहुत ही ज़ोर से हंसती है, राइट। देन शी बिगन टू स्पीक, और उसके बाद वो क्या करने लग गई, बात करने लग गई, राइट। द रिच मैन वॉज सो ग्रेटफुल डैट ही गेव लेजी जैक हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और जो उसके डैड थे, ठीक है, डैडी बोलेंगे ना, हाँ, द रिच मैन वॉज सो ग्रेटफुल, तो वो बहुत ही ग्रेटफुल हुए और उन्होंने लेजी जैक, ठीक है, लेजी जैक की शादी किससे करा दी, अपने बेटी से करा दी, ठीक है, वो लोग मैरिज करवा दिए, ठीक है। जैक बिकम सो रिच, अब जैक बहुत ही रिच बन चुका है, राइट, डैट ही नेवर हैड टू डू अनदर डेज वर्क, अब उसको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ही रिच हो चुका है, राइट। इट प्लीज्ड एवरीबडी स्पेशली हिज मदर, और इस बात से सबको खुशी होती है, और सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है, उसकी मम्मी होती है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। हालांकि मैं भी बता देती हूँ, डंडर हेड मतलब होता है कि स्टूपिड पर्सन, ठीक है, अगर कोई बोल रहा है आपको यू आर डंडर हेड, मतलब कि आप एक स्टूपिड पर्सन हो। ड्रैग मतलब कि किसी भी चीज़ को आप लोग पुल कर रहे हो एकदम फोर्स के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग्ड बोलते हैं। रोअर्ड मतलब कि मतलब लाउडली जो कोई चिल्लाता है ना, तो उसको रोअर्ड, जैसे कि लायन रोअर, ठीक है, तो मतलब लायन का वो आवाज़ ही भाई बहुत ज़ोर से यू नो लाउड में बोलता है, ठीक है, तो रोवर्ड मतलब वो हो गया। लेबर मतलब कि जो हार्ड वर्क, राइट। होस्टेड मतलब टू रेज विथ रोप्स एंड पुल्ली, मतलब कि वो डोंकी को यू नो कुछ रस्सी से वगैरह से अपने बैक पे यू नो बिठा लिया। स्टर्गिंग मतलब डीपली शॉकिंग, मतलब शॉक लगना, ठीक है। तो ये था कुछ वर्ड मीनिंग, बाकी चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। Thank you.